हेलो एवरीवन, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी विदाउट ओनियन एंड गार्लिक, जो कि बहुत इजी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पालक पत्ता को अच्छे से धो के छोटा छोटा करके काट दी हूँ। फिर मैं इसको हल्का बॉयल करूँगी। और मैं यहाँ ली हूँ पनीर, उसको भी छोटा छोटा करके स्क्वायर साइज में काट देना है। और मैं यहाँ ली हूँ दो टमाटो और थोड़ा सा धनिया पत्ता, हरा मिर्च एंड अदरक। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप क्वांटिटी के हिसाब से टमाटो, अदरक और हरी मिर्च ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे ली हूँ धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मैं कश्मीर मिर्च ली हूँ, जो कि तीखा नहीं होता है ज़्यादा। और यहाँ पे मैं ली हूँ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, जो कि हमको लास्ट में डालना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम टमाटो, अदरक, धनिया पत्ता और हरा मिर्ची को मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा पानी बॉईल करके पालक पत्ता को उसमें डालना है और हल्का सा बॉईल करना है। पालक पत्ता को थोड़ा सा पानी में बॉईल करके पीसने से उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हमको दूसरे साइड में एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है और वो पनीर क्यूब को हल्का सा फ्राई करना है। वैसे आप पनीर को पालक में कच्चा भी डाल सकते हो, बट हल्का फ्राई करके डालने से उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। बस हल्का सा फ्राई करना है। यह हमारा पालक पत्ता भी अच्छे से पानी में बॉईल हो चुका है और एक दो मिनट के लिए बस बॉईल करना है। देखिए यहाँ पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है, बस एक दो मिनट के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब इसको हम निकाल देंगे, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएगा। यहाँ पालक भी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसको हम पानी से निकाल के थोड़ा सा ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे। फिर हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। फिर यहाँ जो ली थी मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये चारों को ऑयल में डाल देंगे और हल्का सा जला लेंगे। अब हम यहाँ पे जो टमाटो, अदरक, हरा मिर्च, धनिया पत्ता का प्यूरी बनाए थे उसको हम यहाँ पे डाल देंगे और अच्छे से चम्मच से चला लेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम में रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है, ज़्यादा लो नहीं करना है। थोड़ा सा फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा मसाला अब अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक और गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर को मसाला में डाल के कुछ सेकंड के लिए बस फ्राई करना है। फिर यहाँ हम पालक का पेस्ट को डाल के मसाला में अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला के बस दो मिनट के लिए फ्राई करना है। देखिए हमारा पालक रेडी हो गया है। फिर इसमें हम धनिया पत्ता और पनीर क्यूब को डाल के एक मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा पालक पनीर की सब्ज़ी पूरी तरह से रेडी हो गया है। इसमें से अच्छा सा खुशबू भी आ रहा है। ये बहुत इजी प्रोसेस है। विंटर सीजन में ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छा लगता है। आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिए। विदाउट ओनियन गार्लिक का ये पालक पनीर का सब्ज़ी बहुत ही टेस्ट होता है। इसको चावल, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।